इसमें ये बताया गया है कि एक ना साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक क्या होता है, आपने ए से स्टार्ट किया, पहले आपने गैस को एक्सपैंड किया ए से बी, फिर आपने बी से ए क्या किया, उसको कंप्रेस कर दिया, एक्सपैंड कर दिया, फिर कंप्रेस कर दिया, ठीक है। तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन पूछा है। अभी जितनी नॉलेज मेरे को है वो ये है कि अगर मुझसे किसी ने पूछा कि ए से लेके बी गैस एक्सपैंड हो गई, एक्सपेंशन में वर्क डन निकाल लो, तो मैं क्या करूंगा, इसके नीचे का एरिया निकाल दूंगा पूरे का पूरा। तो ये क्या आएगा, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन। एक्सपेंशन वर्ड यूज कर रहा हूं तो वर्क डन पॉजिटिव की नेगेटिव, फिजिक्स में एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, डीवी पॉजिटिव तो वर्क डन भी पॉजिटिव, याद रखना फिजिक्स में एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ता है वर्क डन पॉजिटिव है, कंप्रेशन में वॉल्यूम कम होता है वर्क डन नेगेटिव है, ठीक। तो ये जो वर्क डन है वो पॉजिटिव आएगा। अब किसी ने कहा सर वापस चलो, ठीक है वापस चलते हैं बी से लेके ए वापस चलते हैं, जब बी से ए में वापस आ रहा हूं, अब किसी ने कहा सर एक्सपेंशन का वर्क कंप्रेशन का वर्क डन क्या है, मैंने कहा ये रहा कंप्रेशन का वर्क डन एरिया इन अंडर द कर्व। अब ये जो वर्क डन है वो क्या आएगा W2, लेकिन क्या आएगा नेगेटिव क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है। नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या आएगा, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन विल बी इक्वल टू वर्क डन, दोनों को ऐड करें और ये साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि एक एक्सपेंशन और एक कंप्रेशन। तो ऐसा करें W1 का मतलब ये पूरा एरिया रेड वाला और W2 का मतलब ब्लैक वाला, तो ब्लैक वाला एरिया रेड में से माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस करने पे जो आंसर आएगा बस वो ये आएगा। तो इसका मतलब सही है ना कि एरिया इन अ जो वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस है इज एरिया इनसाइड अ साइकिल, क्या ये याद रहेगा। तो लिखो अपनी फॉर्मूला बुकलेट में, ये डायग्राम बना लेना, लिखो नोट एरिया इन इनसाइड अ साइकिल गिव्स नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन इन अ साइकिल। तो नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, एरिया इनसाइड अ साइकिल। तो एरिया इनसाइड अ साइकिल क्या होगा, नेट अमाउंट ऑफ वर्क डन देगा आपको पूरे प्रोसेस का इंक्लूडिंग एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन। ठीक है यहाँ तक तो ये टर्म आ गई। फिर इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज लिखो, अगर आपका साइकिल क्लॉकवाइज है तो नेट वर्क डन के आगे क्या लगेगा, साइन पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज है तो साइन क्या लगेगा, नेगेटिव। ये लिखें प्लीज।